नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हो और बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब मुलाकात हुई है तो बिहार में सियासत गर्मा गई है और साथ ही साथ बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में सवाल राजनीतिक गलियारे में ये घूमने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार खेल कर देंगे। क्योंकि सबके जहन में सवाल ये है कि इससे पहले जब जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी तब खेला हो गया था, तो क्या वही खेला एक बार फिर से बिहार में दोहराया जाएगा। इसी सवाल को लेकर जब लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया तो क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। पटना में बड़े बेटे के घर पर गीता का पाठ रखा गया था, इसमें पिता लालू यादव भी पहुंचे। भगवत गीता का पाठ उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, सभी लोगों को सुनना चाहिए। भगवत गीता पाठ सुनने के बाद लालू यादव ने कहा कि आज भगवत गीता का पाठ हमने सुना है, बहुत अच्छी चीज़ है, सभी लोगों को सुनना चाहिए। लालू प्रसाद यादव से जब नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चलिए और आगे बढ़ गए। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस सवाल को सिरे से खारिज नहीं किया। दरअसल बिहार में इन दिनों चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से खेल कर सकते हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ पहुंचे थे। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई, दोनों नेताओं के बीच गुपचुप बात हुई है। हालांकि एक औपचारिक मुलाकात थी, एक विभाग से जुड़े बैठक में दोनों नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। जेडीयू की ओर से भी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर सफाई दी गई है और कहा गया है कि इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी नियुक्तियां होती हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष सीएम से मिलकर अपनी राय और सहमति देते हैं, उसी को लेकर ये मुलाकात हुई थी। पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि साल 2022 में भी इसी तरह से जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी और इसके बाद दोनों साथ आ गए थे। ऐसे में बिहार की सियासत में 7 महीने बाद फिर से वही सवाल उठने लगा है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। पहले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी की रुखसती और फिर नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात ने इस सवाल को और मजबूत कर दिया है। मुलाकात की कहानी भले कुछ और बताई जा रही हो, लेकिन 2022 में भी ऐसी ही मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के पलटने की घटना को देखते हुए एक बार फिर से इस चर्चा को बल मिलने लगा है। उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति आधारित सर्वे को लेकर एक दूसरे से मिले थे और फिर बात इतनी आगे बढ़ गई कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन ही छोड़ दिया था। पिछले 10 साल में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। हर बार पलटी या तो लोकसभा चुनाव से पहले या फिर विधानसभा चुनाव से पहले ही मारते हैं। आखिरी पलटी उन्होंने इसी साल जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले मारी थी। नीतीश इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में चले गए थे। नीतीश कुमार पॉलिटिकल यूटर्न लेंगे या नहीं, इसकी ना तो जेडीयू सिरे से इसे खारिज कर रहा है और ना ही आरजेडी ये मजबूती से कह रहा है कि हम साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी भी इस पर चुप है। जाति आधारित सर्वे और उससे मिलने वाले आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक लग चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है जहां पर बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार को अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो अन्य राज्यों में ये मांग तेज हो जाएगी। दरअसल बिहार में पिछले 6 महीने में प्रशांत किशोर और उनकी रणनीति सुर्खियों में है। पीके लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सिंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीतीश कुमार के कोर वोटर्स, महिला, महादलित और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पटना में एक कार्यक्रम भी किया था और इसी तरह तेजस्वी यादव की पार्टी के कोर वोटर्स माने जाने वाले मुस्लिम और युवा को भी पीके रिझाने में जुटे हैं। जेडीयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीके जिस तरह से रणनीति अपना रहे हैं उससे जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ आरजेडी और जेडीयू को होगा। सवर्ण समुदाय के होते हुए भी पीके बीजेपी के सवर्ण मतदाताओं को ही साध रहे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को भी इसी तरह का डर सता रहा है। 2015 और 2020 के चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2025 में पार्टी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाह रही है। तो रणनीति अपनी तरह से साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन
चूंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव से मुलाकात कर आए हैं, तो ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार देंगे, क्योंकि सियासत में टाइमिंग का भी कुछ खास ख्याल रखा जाता है। अगर आप टाइमिंग पर ध्यान दें तो अक्सर जब भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, या तो वो लोकसभा चुनाव से पहले या फिर विधानसभा के चुनाव से पहले होता है। इस बार भी इस चर्चा को मजबूती इसलिए भी मिल रही है क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या उससे पहले एक बार फिर से सियासी उलटफेर बिहार में देखने को मिलेगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।